हेलो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को आलेख कागज पर दर्शाना सीखा। इस वीडियो में उसी पर आधारित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। दिए गए निर्देशांक बिंदुओं में से कौन सा बिंदु इस आलेख का हल है? दोस्तों, यहां हमें केवल रेखा ए बी दी गई है, लेकिन उसका समीकरण नहीं दिया हुआ है जिसमें हम यह निर्देशांक बिंदु डालकर देख सकें कि यह हल है या नहीं। तो अब हम क्या करें? आप इस प्रश्न का जवाब वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखा का निर्माण अनगिनत बिंदुओं से होता है और वह सभी बिंदु उस समीकरण के हल होते हैं। यहां पर हमें केवल यह देखना है कि दिए गए विकल्प इस रेखा पर हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। यहां पर दो बिंदु 3, -2 और 6, 1 इस रेखा पर हैं, यानी वह दोनों बिंदु इस रेखा या समीकरण के हल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन से समीकरण से बनी रेखा XY अक्ष के केंद्र से होकर गुजरती है? यहां आप क्या करेंगे? क्या आप इन सभी समीकरणों का आलेख बनाकर देखेंगे कि यह रेखाएं केंद्र से गुजरती हैं या नहीं? यह गलत नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका एक आसान पर्याय है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की कि जो रेखा XY अक्ष के केंद्र से होकर गुजरती है वह कुछ इस प्रकार की होगी, AX -BY = 0, और उसे अगर सामान्य रूप से तुलना करें तो यहाँ C 0 होता है। आप वीडियो पॉज करके दिए गए विकल्पों की इस रूप से तुलना करें और देखें कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, यहां पर केवल चौथा विकल्प इस प्रकार का है जहां सी 0 है, या कह लें सी है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण 5X-2Y = 0 से बनी रेखा XY अक्ष के केंद्र से होकर गुजरती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस सत्र में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।